जे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि दिखाई रहा है खास करके नीतीश कुमार के ऊपर क्योंकि आरजेडी पर रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो आर जे तो जंगल राज का प्रतीक था ही अहंकार का प्रतीक था ही और अब नीतीश कुमार उस पोषक बन गए हैं और अहंकार इस कदर कि अभी तक मुझे याद है जेपी पी एजुटेशन चौहत्तर आंदोलन के बाद कभी किसी राजनीतिक दल चाहे वो राजभवन की ओर मार्च करे चाहे वो विधानसभा की ओर मार्च करे किसी ने बड़बड़ता पूर्वक हत्या नहीं की और अब ये हत्या को कह रहे हैं मौत को कह रहे ये मौत तो हुई ही नहीं है सत्ता के मदान्त में नीतीश कुमार आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल सकते हैं लोगों के नजदीक आंकड़े बदल सकते हैं लेकिन बिहार की बारह करोड़ जनता के पोस्टमार्टम को जो आपकी सरकार की क्रूर रवैया देखा वो उसके पोस्टमार्टम जब करेगा जनता तब पता चलेगा कि हत्या थी आतंक था क्रूरता थी आपातकाल का था या लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीरहरन था अगर लोग विधानसभा के अंदर विधायकों को मार्शल से निकाल दिया जाए बाहर में लाठी से मौत के हवाले कर दिया जाए विजय सिंह तो शहीद हुआ है नीतीश कुमार इसको भूलें नीतीश कुमार याद रखें नीतीश जी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने वाला बीजेपी है और आपका खात्मा राजनीतिक खात्मा हमने जंगल राज से भी लड़ा है और आपके जंगल राज से भी लड़ूंगा तो आगे कंटिन्यू कैसे रहेगा? फिर क्या रहे जंगल राज से तो हम बरसों तक लड़ कर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए अब नीतीश कुमार ही जंगल राज के पर्यायवाची बन गए हैं तो जब तक इनकी खात्मा नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी एक, एक तो खास बताता है कितनी जालीम सरकार है जो मृतक को उठा करके फ्रेजर रोड से उठा के छज्जू बाग ले गया ये नीतीश बाबू केवल बंगाल के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जैसे ममता बनर्जी अपने विरोधियों को जान उनकी हत्या करवा दी रही ये तो उससे भी आगे बढ़ने की योजना है किम जोंग के तरह जो किम जोंग कभी अपने विरोधियों को नहीं स्वीकारा उसी तरह से नीतीश कुमार अब ये कदम उठाए किंग जोंग बनना चाहते हैं